सत श्री अकाल, मैं हाँ नेहा शर्मा ते तुसी वेख रहे हो प्रवासी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अज दी मुख्य खबरों के नाल। टैक्सटाइल धुरे वजो उभरेगा पंजाब। भगवंत मान ने फतेहगढ़ साहिब विखे 1000 एकड़ जमीन ते टैक्सटाइल पार्क बनाने की केंद्र नूं कीती पेशकश। आशु अते बैंस की जमानत अर्जी से सुनवाई 9 सितंबर नूं। भारत भूषण आशु भ्रिष्टाचार अते सिमरजीत बैंस जबर जनाह के मामले का कर रहे हैं सामना। श्री हेमकुंड साहिब के किवाड़ 10 अक्टूबर नूं होणगे बंद। इस बार हुण तक 2 लाख तो वध श्रद्धालु गुरद्वारा साहिब के कर चुके हैं दर्शन। भारत भर च 100 थावां ते इनकम टैक्स विभाग की रेड। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च सेंटर दिल्ली ते भी पिया छापा। हुण खबरां विस्थार दे नाल। पंजाब विच नवे टैक्सटाइल पार्क के मामले च मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नूं चिट्ठी लिख के श्री फतेहगढ़ साहिब विखे नवे टैक्सटाइल पार्क की पेशकश की है। मुख्यमंत्री ने 1000 एकड़ जमीन ते टैक्सटाइल पार्क बनाने की यह पेशकश की है। ध्यान रहे कि पंजाब च पिछली कांग्रेस सरकार ने मतेवाड़ा विखे पार्क लगाने की मंजूरी दी सी, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मतेवाड़ा की थान दूजी जगह से पार्क बनाने का ऐलान किया। भगवंत मान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह प्रोजेक्ट सूबे नूं उद्योगिक विकास के नक्शे उत्ते उभारेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट जिथे निवेशकों नूं आकर्षित करने लिए सहाई होगा, उत्थे ही नौजवानों लिए रोजगार के नवे राह भी खोलेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट दीयां चावन सूबा सरकारां दी भाईवाली नाल देश भर विच 7 प्रधानमंत्री मैगा इंटीग्रेटिड टैक्सटाइल खेतर अते एपरल पार्क यानी PM मित्रा स्थापित करने की योजना नूं प्रवानगी दित्ती है। भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री नूं दस्सिया कि इस स्कीम तहत सूबा सरकार फतेहगढ़ साहिब विखे टैक्सटाइल पार्क स्थापित करने लई तैयार है। कांग्रेस के सबका मंत्री भारत भूषण आशु ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाला मामले में घिरे हुए हैं और उन्होंने पिछले दिन विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया सी। इसे दौरान अज लुधियाना अदालत में आशु की जमानत अर्जी से सुनवाई हुई और अदालत ने हुण आशु की जमानत से 9 सितंबर लई फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत में भारत भूषण आशु के वकीलों ने बहस करते हुए आशु को सियासी बदले तहत भ्रिष्टाचार के मामले च नामजद करन ते गिरफ्तार किए जाने ते आरोप लगाए अते कहा कि आशु खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलिया है। उधर दूजे पासे लोक इंसाफ पार्टी के मुखी अते साबका विधायक सिमरजीत सिंह बैस जबर जनाह के मामले में घिरे हुए हैं अते उन्होंने भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बैस की जमानत अर्जी से भी लुधियाना अदालत में हुण 9 सितंबर को सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट प्रवासी टीवी। सतलुज यमुना लिंक नहर यानी SYL के मुद्दे से आम आदमी पार्टी घिरदी जा रही है। इस बारे जदों हरियाणा के हिसार पहुंचे केजरीवाल को सवाल पूछे गए तो उन्होंने उल्टा विरोधियों से सवाल खड़े कर दिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब अते हरियाणा विच कांग्रेस अते भाजपा का स्टैंड की है। पंजाब विच ए लोग कहते हैं कि SYL नहर नहीं बनन देंगे अते हरियाणा विच कहते हैं कि SYL का पानी लैके रहेंगे। केजरीवाल ने कहा कि यह व्यक्ति राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब अते हरियाणा विच पानी का पद्धर बहुत नीवा है अते दोनों सूबे नूं पानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र की जिम्मेवारी बनती है कि वह पंजाब अते हरियाणा लई पानी का प्रबंध करे। उन्होंने कहा कि केंद्र का काम पंजाब अते हरियाणा नूं आपस दे विच लड़ाना नहीं है। इस तरह भारत अगे नहीं वधेगा। इसी दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार का फर्ज बनता है कि वह इस समस्या का हल करे। भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप धालीवाल ने हरियाणा नूं सख्त शब्दों में चेतावनी दिंदिया पानी देने तो इनकार कर दिता है।
पेंडू विकास अते पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा कि साडे कोल हरियाणा नूं देण लई इक तुपका भी पानी नहीं है क्योंकि पंजाब च पानी दा लैवल पहला ही बहुत हेठा चला गया जिस संबंधी असी सुप्रीम कोर्ट नूं जाणू करवा चुके हां अते असी फिर तो सुप्रीम कोर्ट सामने अपना पक्ष रखांगे। धालीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दे हुक्मां अनुसार असी SYL दे मुद्दे ते हरियाणा नाल मीटिंग जरूर करांगे जिस च मुख मंत्री भगवंत मान हिस्सा लैणगे, परंतु उस मीटिंग तों पहला ही मैं कह दिंदा कि किसी भी दूजे सूबे नूं देण लई साडे कोल फालतू पानी नहीं है। ध्यान रहे कि लंघे काल सुप्रीम कोर्ट विच SYL दे मुद्दे ते सुनवाई हुई सी जिस दौरान केंद्र सरकार ने पंजाब ते सहयोग ना देण दा आरोप लगाया सी, जिस तों बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब अते हरियाणा नूं इस मामले ते मीटिंग करन लई कहा सी अते इस दी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट नूं इक महीने दे अंदर अंदर देण लई कहा गया, जबकि इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी नूं होवेगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अज आम आदमी पार्टी दे सुप्रीमो अते दिल्ली दे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ते सियासी निशाना साध्या। उन्हां कहा कि अरविंद केजरीवाल भारत नूं विश्व दा नंबर वन देश बनाउण दीआं गल्लां तां करदे हन, परंतु उन्हां दी अगवाई वाली भगवंत मान सरकार ने चंद महीनिआं दे अंदर ही पंजाब दा बुरा हाल करके रख दित्ता है। रिजिजू ने कहा कि भगवंत मान दी अगवाई वाली पंजाब सरकार अपने मुलाजमां नूं अगस्त महीने दीआं तनखाहां वी नहीं दे सकी क्योंकि मिलिआं खबरां अनुसार पंजाब सरकार फंडां दी वड्डी कमी नाल जूझ रही है जिसके चलदिआं उन्हां दे कर्मचारियों नूं तनखाहां वी नहीं मिल रहीआं। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली केजरीवाल सरकार वालों दिल्ली विच भी माली की बर्बादी की जा रही है। पंजाब विच हुण रेते अते बजरी की भी तस्करी होण लगी है। इसे दौरान पठानकोट के डिप्टी कमिश्नर ने जम्मू कश्मीर तो रेता लैके आ रहे ट्रकों नूं काबू किया है। शुरुआती जांच दौरान पता लग्या कि इन्हां ट्रकों वालों को बिल भी नहीं सी। उत्थे ही कुछ ट्रकों वालों को 5 टन की मंजूरी सी, परंतु उन्होंने 30 से 40 टन तक रेता अते बजरी लोड किया होया सी। इस संबंधी DC ने पठानकोट के SSP नूं तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। रेता लियाउण वाले इन्हां ट्रकों नूं दूरों देख के कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इन्हां विच रेता जां बजरी लोड किया होगा। इसे दौरान एक ट्रक वाला भज्जण विच भी कामयाब हो गया, जबकि असी ट्रक नूं अपने कब्जे विच लै लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी TV। उत्तराखंड सूबे च स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब विखे इस बार हुण तक करीब 2,15,000 तो वध श्रद्धालुआं ने दर्शन किए हन। इस संबंधी गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उप प्रधान नरिंदरजीत सिंह बिंद्रा ने दसिया कि 22 मई नूं श्री हेमकुंड साहिब के किवाड़ खोले गए सन ते यात्रा शुरू की गई सी। उन्होंने दसिया कि बहुत सारे यात्रियों ने श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा दौरान फुलां की घाटी विखे भी अपनी हाजिरी लगाई। उन्होंने दसिया कि यात्रियों की सहूलत अते वड्डे पद्धर ते आमद नूं देखदिआं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने फैसला किया कि श्री हेमकुंड साहिब के किवाड़ 10 अक्टूबर नूं बाद दोपहर 1 बजे बंद कर दिते जाणगे। उन्होंने संगतां नूं अपील की कि वह 10 अक्टूबर तक अपनी यात्रा नूं निर्विघन जारी रख सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग वालों अज देश भर में 100 थावां उत्ते रेड की गई। यह कार्रवाई मिड डे मील च कमाई, पोलीटिकल फंडिंग च टैक्स चोरी अते शराब घोटालों के संबंध में की गई है। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ अते उत्तराखंड समेत 12 राज्यों में इनकम टैक्स विभाग वालों अज छापेमारी की गई। दिल्ली स्थित स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च च भी छापेमारी की गई। उधर राजस्थान के राजमंत्री राजेंद्र यादव अते उन्हां दे रिश्तेदारां दे 53 तो ज़्यादा टिकाणे उत्ते इनकम टैक्स की रेड पई। अज सवेरे 5:30 बजे तो यह छापेमारी जारी सी। मामला मिड डे मील की सप्लाई च गड़बड़ी नाल जुड़िया होया है। कोटपुतली च मिड डे मील का राशन सप्लाई करने वाली जिस फैक्ट्री विच छापा पिया है वह भी राजेंद्र यादव की दसी जा रही है। मिड डे मील मामले च ही इनकम टैक्स विभाग की टीम वालों महाराष्ट्र च भी कई थावां उत्ते छापेमारी की गई। फिलहाल अज दे बुलेटिन दे विच इन्ना ही। होर खबरां लई वेखदे रहो प्रवासी TV। मैं दी इजाजत, धन्नवाद।